सोशल मीडिया के 29 पोस्ट की मेरे पास सूचना है, शिकायतों की एग्जैक्ट संख्या नहीं है, बहुत सी शिकायतें रेपिटेटिव की। मैंने कहा कि तीन तरह की मुख्यतः है, अगर हम क्लास लें तो ईवीएम खराब होने की, एक ये था कि मतदान में डालने से रोका गया या मतदान को धीमा कर दिया गया या ज़्यादा समय लगाया जा रहा है, इस कैटेगरी की थी। और एक थी कि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, बिना आइडेंटिटी कार्ड देखे वोटर्स को वोट डालने दिया जा रहा है, जिससे फर्जी मतदान की आशंका है। उसी तरह की शिकायतें अलग अलग कुछ के बारे में सिमिलर टाइप की आ रही थी, लेकिन हमने तत्परता से उन पर एक्शन लिया और हमारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या निकल के आए शिकायतों में सर? शिकायतों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जब अधिकारी गए तो अगर ये कहा कि वहाँ वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो हमने यहाँ से जहाँ जहाँ कैमरे लगे थे हमारे लगभग 50% में, तो काफ़ी तो हम यहाँ से भी देख पा रहे थे, लेकिन फील्ड में भी हम बताते थे, वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से हमारे पास रिपोर्ट आती थी। यहाँ हमारा कम्युनिकेशन का भी कंट्रोल रूम बनाया, टेलीफोन से भी हमारी बात हुई, तो कोई शिकायत रिपीट नहीं हुई। नॉर्मली कई बार होता है कि एक बार शिकायत की 2 घंटे बाद फिर उसी बूथ की शिकायत आ रही है, उसका निस्तारण नहीं हुआ, ऐसा नहीं।